हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो पहले हम समझेंगे, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये सब क्या होते हैं वो हम लोग बेसिक क्लासेस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक क्लास कोई भी चैप्टर का मिस नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली वो क्लास को अटेंड करनी ही चाहिए, और वो क्लास को अच्छे से मीन्स ध्यान से उस क्लास को करनी चाहिए, सुननी चाहिए और देखनी भी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखते हैं। पॉलिनोमियल पता होगा, जैसे कि इक्वेशन आती है ना, एक जैसे कि हमारी इक्वेशन होता है, मान लेते हैं इसे 3x² + 2x, दिस इज इट इज अ पॉलिनोमियल। कैसे पॉलिनोमियल हो सकता है, क्योंकि एक अल्जेब्रिक फंक्शन में हमारा है, एंड इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा टर्म्स या एक टर्म भी रहेंगे चलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। एंड उसके साथ क्या होता है कि वेरिएबल्स हमारे साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इस देखिए इक्वेशन में दिख रहा होगा, एक्चुअली में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है, दिस वन x² आल्सो x जो है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल रहती है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डेफिनेशन डेफिनेटली लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे लिख रहे हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन से और अच्छे से समझाते हैं क्या होता है कि एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और इक्वेशन पता है ना, एक शॉर्ट्स वीडियोस में बनाया है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है, दिस इज इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन, हम जो पहले लिखे थे, दिस वन इज एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज इक्वेशन। ओके, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू, अगर इस टर्म में कुछ भी रहे या जीरो रहे तो क्या हो जाता है, इक्वेशन, एंड इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक, जिसमें इक्वल नहीं रहता है डिनोशन। तो एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा टर्म हो सकती है, ठीक, टर्म्स इन ईच ऑफ विच क्या होगा, हाई का द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज जीरो। Is zero or a positive integer. ठीक, this is called polynomial. Okay, तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि बोले expression क्या हुआ, मान लेते हैं ये 2x² है, ठीक, this is a polynomial. कैसे polynomial है, तो ये हमारा algebraic expression है, दिख रहा है, ठीक, तो कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, मतलब एक या एक से ज्यादा टर्म, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही टर्म है, ठीक, इन ईच ऑफ विच, मतलब हर एक टर्म में क्या होगा, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है ये, ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब ये वाला टर्म जो है, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो सकता है, मे बी हो सकता है जीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हमारा पॉलिनोमियल हो गया। एंड उसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल समझ में आया, एंड डिनोशन जो होती है, इट इज डिनोटेड बाय, लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोशन होता है, तो इस तरीके से पी ऑफ एक्स की फॉर्मेशन में, तो एक्स के टर्म में ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स यहाँ वेरिएबल है, ठीक, तो इस फॉर्मेशन में हम लोग डिनोशन करते हैं। देन उसके बाद लिखेंगे क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, तो ये क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम लोग पॉलिनोमियल जाने, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे इफ पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इज अ पॉलिनोमियल, ये हमारा क्या हो गया, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ओके, इन किसमें, एक्स के टर्म में ही हो, पॉलिनोमियल जो है वो एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में हो सकता है, वाई वेरिएबल होता है, या उसके जगह पे कुछ और भी लिखा रह सकता है, जेड भी लिखा रह सकता है, तो वो भी जेड के टर्म में वो पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक है, सारे वेरिएबल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं।
ठीक है, पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स की फॉर्मेशन में है तो द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की अगर हाईएस्ट पावर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका आप एग्जांपल यहाँ लिख सकते थे, कितना बार हम लिख चुके हैं तो ऐसा एग्जांपल आप लिख सकते थे। यहाँ पे जैसे हमारा हो गया 2x² + 1, बोल देते हैं कि ये हमारा टू टर्म का एक्सप्रेशन है एंड ये जो है वो पॉलिनोमियल है, दिख रहा है ठीक है एक्स के फॉर्मेशन में, देन तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए जो भी वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, दिस वन इज डिग्री जो है 2 है। अगर इस तरीके से रहे 3x² + 2x + x, कुछ इस तरीके से रहेगा एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल का है, ठीक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन में ही है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो क्या होगा यहाँ जो डिग्री होगा वो क्या होगा, डिग्री होगा तो देखिए यहाँ डिग्री तो 1 है और यहाँ डिग्री क्या है, तो यहाँ भी हमारा 1 है, ठीक है, एंड बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब क्या होगा डिग्री जो होगा वो 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी दिया रहेगा, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री कहलाएगी। ओके, समझ में आया, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हमारा हो गया। कितना दूर तक दिखाई दे रहे हैं, मैं देख लेती हूँ, थोड़ा और लिख सकते हैं नीचे, ठीक। उसके बाद आती है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर मतलब पता चल रहा होगा कि लीनियर लाइन, ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है सिंगल वेरिएबल होता है, तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री जिसमें 1 हो, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, से लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था, इजी मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे 2x + 1, दिस वन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि x की मतलब x की पावर यहाँ पे देखिए 1 है, मतलब डिग्री 1, ठीक, ऐसे हो सकता है यहाँ पे 3x + 3, दिस वन ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, सिर्फ x बोल सकते हैं, ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ऊपर इरेज कर देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई थिंक इंक इसमें नहीं है, हम डाले हुए बट फिर भी नहीं दिखा रहा, पता नहीं ब्लैक से लिखते क्या, ये दिखाई दे रहा है, रेड कलर हम वैसे बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो डिग्री क्वाड मतलब 2, तो डिग्री जो है वो 2 है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 3x² + x, दिस वन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकता है, मान लेते हैं 4x² + क्या होगा रख लीजिए 1, कुछ भी, ठीक है, इस फॉर्मेशन में अगर रहता है तो क्या बोलेंगे हम, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, देन उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्वाड्रेटिक में यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेगा x का, यहाँ पे एक ही वैल्यू निकल जाएगा x का, वैसे पता चल रहा होगा x का क्या वैल्यू निकलेगा, इजीली निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 बना के, इक्वेशन बना के, ठीक, देन क्यूबिक नहीं दिख रहा है, इसी से हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, हम इसे हाईलाइट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक, अ पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री थ्री, जिसमें डिग्री थ्री हो, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या हो सकता है। इसीलिए पहले डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल पता होना चाहिए, देन उसके बाद तो सारा पता कर लेंगे। यहाँ पे होगा, मान लेते हैं 3x³ प्लस 3x प्लस या 3x² प्लस 2x प्लस 1, दिस वन इज अ क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, इस तरीके से। और x³ प्लस 3x प्लस 1, दिस वन ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, देन अब बात करते हैं जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये तो सारी हो गई, अब जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल क्या होता है। पॉलीनोमियल तो हम जानते हैं, तो उसकी जीरोस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। तो जीरोस मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। ओके, जीरोस मींस एक्स की वैल्यू निकालना। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 निकले क्योंकि क्यूबिक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है मतलब 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 निकलेगी। लीनियर था, वहां एक्स की वैल्यू ओनली फॉर 1 निकलेगी। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल दिस वन। ओके, तो जैसे हमारा हो गया इफ पी माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेशन में रहे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती है एक्स की जगह पे, तो दिस वन क्या है एंड पी 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, इफ अगर p माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड p 2 इक्वल टू 0 हो, तो क्या करेंगे, तो देन हम बोल सकते हैं माइनस 1 एंड 2 जो है वो क्या हो गया, आर द जीरोस, आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल p ऑफ x, x की फॉर्मेशन में था, x की ही ये वैल्यू है। ठीक है, समझ में आई बात। इसी को बोल देंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि दो वैल्यूज निकली ना, इसलिए क्वाड में आ गए। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स नॉर्मल लिख सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, इसी से इक्वेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम एग्जाम्पल एक ले ले रहे हैं, जैसे कि ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, x³ नहीं, x² और क्यूब का भी ले सकते हैं, 3 वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर का लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, नहीं तो हम इसको ग्राफ में दिखा देते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, ग्राफ में दिखाएंगे इक्वेशन आ जाएगा। तो हम ग्राफ का भी बात करते हैं, जैसे नॉर्मल बता दें कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, एक्स की वैल्यू होता है, बस एक्स का वैल्यू निकालेंगे उसी को बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, बस और कुछ नहीं है। देन अब आती है हमारी ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। ठीक, देखिए इसे हम इरेज कर दें क्योंकि बेसिक क्लास हो रही है, तो बेसिक समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आता है किन्हीं को तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, एक्सरसाइज में तो ग्राफ से ही स्टार्ट किया गया है ना। ग्राफ रिप्रेजेंट बहुत ईजी है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ना वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस फॉर्मेशन में रहता है। ठीक है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक, x की वैल्यू हम लोग बिठाते जाएंगे, y की वैल्यू अपने आप आते जाएगी, a b की जगह पे कुछ और रह सकता है। ठीक है, मतलब कोई भी टर्म रह सकता है, बट ये फॉर्मेशन में रहता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ, देखिए a की जगह पे 2 है एंड b की जगह पे 3 है, सिंपल। ठीक, तो ये दिस वन इज अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, सॉरी दिस इज अ इक्वेशन,
वो भी इक्वेशन किसका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, क्योंकि ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इज अ स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो है स्ट्रेट लाइन ये पासेस किया है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू थ्रू द पॉइंट्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट से पास किया है। तो हमारा पॉइंट्स दिया हुआ -2, -1 एंड एक और पॉइंट दिया हुआ 2, 7, बस इसको रिप्रेजेंट कर लेनी है ग्राफ में, ठीक है। तो ग्राफ हम इधर बना रहे हैं, दिस वन, यहाँ देख रहे हैं कि 7 है, मतलब हम 7 तक अगर ले रहे हैं, ये ओरिजिन होती है हमारी ग्राफ की, देखिएगा ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। इधर जो होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स डैश बोल सकते हैं, नेगेटिव में आता है, एंड दिस वन ये होता है हमारा वाई एक्सिस, एंड वाई का क्या होता है वाई डैश, मतलब नेगेटिव में आता है, नहीं है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप 8 तक ले सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि यहाँ जो है इक्वल पार्ट खुद रहेगा ग्राफ में, ठीक है, आप खुद से वहां पे 5, 6, 7, 8 ले लीजिएगा, इजीली वहां पे बनेगा, ठीक है, ग्राफ पेपर में। देन तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है -2, -1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को, तो -2 तो देख रहे हैं ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, और जो फर्स्ट वाला पॉइंट जो होता है वो एक्स का पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक आप बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ एक्स का वैल्यू एंड दिस वन वाई का वैल्यू, ऐसे बॉक्स बना लीजिए दिस वन, ठीक। एक्स का जो वैल्यू है वो है हमारा -2, तो उसी के साथ वाई का जो वैल्यू है -1, एक बॉक्स हो गया, एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, फर्स्ट वाला हमेशा एक्स का वैल्यू होता है, दिस वन इज द 7, ये हमारा बॉक्स हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर लेनी है ग्राफ में, ठीक। देन तो देखिए यहाँ -2, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव, फर्स्ट वाला होता है एक्स, तो मतलब क्या होगा 1, 2, ये -1 और ये -2, मतलब ये वाला टर्म होगा, बट ये वाला टर्म होगा तो ये वाला टर्म इधर जाएगा और इधर जाएगा, इधर तो अब नहीं जाएगा क्योंकि इधर ज्यादा हो जाएगा, तो केवल इधर बढ़ सकता है या फिर इधर बढ़ सकता है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा वाई का वैल्यू जब हम देखेंगे, वाई का वैल्यू जो है वो -1 है, माइनस मतलब इधर तो वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव रहता है, ये वाला नेगेटिव है, तो वाई यहाँ जो है यहाँ पे देखिए -1, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1, ठीक। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू है ना यहाँ पे लेंगे तो वो इधर बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, इधर नीचे की ओर कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो ये देख रहे हैं तो ये दोनों मीट कहाँ कर रहा है, देखिए ये इधर बढ़ रहा है तो इधर है और ये इधर बढ़ रहा है, मतलब क्या उधर तो नहीं मीट कर सकता, इधर ही कर सकता है, तो ये अगर थोड़ा आगे आए चले और ये जो है वो थोड़ा इधर चलेगा, तो देखिए यहाँ मीट कर जाएगा, है ना। इस पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं यहाँ -2, -1 लिख सकते हैं दिस वन, ठीक है, अब ऐसे नहीं करनी है, बस पॉइंट को लिख लेना है, ठीक है, दिस वन ऐसे पॉइंट करनी है, ये हम समझाने के लिए इसे बढ़ाएं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है ये 2 और 7, एक्स का 2 पॉइंट है पॉजिटिव, इधर तो नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो मतलब क्या होगा कि इधर तो अब नहीं जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, तो बढ़ेगा किधर, इधर आगे की ओर, दिस वन एंड पीछे की ओर, ठीक। एंड 7 है, 7 पॉजिटिव में, नेगेटिव छोड़ दे, पॉजिटिव 7, तो 7 दिख रहे हैं यहाँ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ है, तो 7 जो है इधर तो नहीं बढ़ेगा, इधर तो होगा कम हो जाएगा, तो मतलब ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। एंड यहाँ जो है ये वाला टर्म ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ बढ़ेगा ऐसे कुछ ऐसे इस तरीके से, तो मतलब ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि मीट कर रहा है ना ये टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 7, ये हमारा टर्म हो रहा है, और ये हम समझाने के लिए थे, आप स्केल से इसे कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे भी आप लोग को मेजरमेंट रहेगी ग्राफ में, तो आप लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं। तो ये 2, 7 हो गया एंड यहाँ -2, -1 हो गया, अब क्या करनी है, ये पॉइंट दिखा के उसके बाद क्या करना है ना, ये लाइन को ड्रॉ डेफिनेटली कर दीजिएगा, ठीक है, मेरा टेढ़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप पूरा सीधा कर दीजिएगा लाइन ड्रॉ, ठीक, इस तरीके से सीधा होगा पूरा, ठीक है। एंड दिस वन, एंड ये जो है यही जो लाइन आया ना, यही लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल टू क्या है 2x+3, दिस वन लाइन का इक्वेशन यही है, ठीक है, y इक्वल टू 2x+3 दिस, क्योंकि 2 देखिए x की जगह पे जैसे ये वैल्यू पुट आउट करेंगे 2,
तो वाई हमारा 7 निकल के आएगा। ऐसे जगह पे जैसे ही -2 पुट आउट करेंगे तो वाई का वैल्यू -1 निकल के आएगा, ठीक है, दिस वन। तो इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर समझ में आई ना ये वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।